हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। अब आगे हम दो सांद्रता और हैं जिनको पढ़ेंगे, एक तो है नॉर्मलता और दूसरी है फॉर्मलता। तो आइए इन दोनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम नॉर्मलता। तो नॉर्मलता की परिभाषा होती है कि एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। और जो नॉर्मलता होती है उसे कैपिटल एन से व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक। जब हमने मोलरता को पढ़ा था तो उसकी परिभाषा क्या थी? तो मोलरता की परिभाषा थी एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। क्या थी वो? मोलरता थी। मोलरता में इस जगह पर क्या आया था? ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह मोलों की संख्या आया था। जबकि इसमें क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो एक लीटर विलयन में किसी भी यौगिक के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन का क्या कहलाएगी? नॉर्मलता कहलाती है। अब नॉर्मलता का फॉर्मूला उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से मोलरता का था। मोलरता का क्या था? मोलरता बराबर था विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम विलयन के मोलों की संख्या की जगह क्या लिख देंगे? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो इसी प्रकार की परिभाषा फॉर्मलता की है, इसीलिए हम दोनों को साथ साथ ले रहे हैं। फॉर्मलता में क्या है कि एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्रबारों की संख्या उस विलयन की फॉर्मलता कहलाती है और इसे कैपिटल एफ से व्यक्त किया जाता है। तो अब हमारी तीन चीज हो गई, एक तो है मोलरता, दूसरी है नॉर्मलता और तीसरी है फॉर्मलता। ये तीनों की तीनों क्या है? एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा है। अंतर किसका है इनमें? इनमें अंतर है विलेय की मात्रा का। मोलरता में जो विलेय की मात्रा है वो ली गई है किसमें? मोलों की संख्या। नॉर्मलता में जो विलेय के नॉर्मलता है उसमें ली गई है ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और फॉर्मलता है उसमें ली गई है ग्राम सूत्रभारों की संख्या। तो इस प्रकार से इनकी परिभाषा हो जाती है और ये इनके फॉर्मूला हो जाते हैं। नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। इसी प्रकार फॉर्मलता का हो जाता है विलेय के ग्राम सूत्रबारों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। अब आगे समझते हैं हम कि जो विलेय के ग्राम तुल्यांक हैं वो क्या होते हैं। हमने देखा था कि मोल क्या होते हैं, हम उसी से जोड़ के पढ़ेंगे। हमने देखा था कि मोल बराबर होता है विलेय के मोल, जिन्हें हमने किस में काम लिया था? मोलरता में काम लिया था। विलेय के मोल बराबर क्या थे? विलेय का भार ग्राम में अपॉन अणुभार। विलेय का अणुभार, ये फॉर्मूला था। तो उसी प्रकार विलेय के ग्राम तुल्यांकों के लिए जो फॉर्मूला है वो भी सेम ही है, विलेय का ग्राम्य भार। अब अंतर आया किसका? आया विलेय का तुल्यांकी भार, और यहाँ पर क्या था? अणुभार। यहाँ पर है तुल्यांकी भार और यहाँ पर है अणुभार। तो ये एक मुख्य अंतर हो जाता है इन दोनों में कि विलेय के ग्राम तुल्यांक विलेय का ग्राम्य भार अपॉन विलेय का तुल्यांक के भार है। तो विलेय का मोल क्या था? विलेय का ग्राम्य भार अपॉन अणुभार। तो आपको ये अंतर करना है अणुभार का और विलेय के तुल्यांक के भार का। इसी प्रकार यदि हम सूत्रभार को देखें तो विलेय के ग्राम सूत्रभार क्या होते हैं? विलेय का ग्राम्य भार, सेम है। अंतर किसका है? विलेय का सूत्रभार। मोल के लिए क्या लिया था हमने? अणुभार लिया था, जबकि यहाँ पर क्या लिया है हमने? सूत्रभार लिया है। इसमें सूत्रभार लिया है और इसमें तुल्यांकी भार लिया है। अब हम समझेंगे कि तुल्यांकी भार क्या होता है और ये सूत्रभार क्या होता है और इसका अणुभार से
क्या संबंध होता है, ये भी हमें देखना है। लेकिन उससे पहले हम नॉर्मलता के फॉर्मूले में इसकी ग्राम तुल्यांक, जो ग्राम तुल्यांक है उसकी जो ये टर्म्स हैं, इनको रख लेते हैं एक बार। तो हम जब नॉर्मलता के इस फॉर्मूले में इस ग्राम तुल्यांक की संख्या की जगह ये वाले पार्ट रखते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला प्राप्त होता है। नॉर्मलता बराबर विलेय का ग्राम में भार अपॉन विलेय का ग्राम में भार अपॉन विलेय का तुल्यांक के भार। क्या हो गया? विलेय के ग्राम में तुल्यांकों की संख्या हो गई। इसके बाद हमें क्या लिखना है? विलयन का आयतन लीटर में। तो हमने यहाँ पर विलयन का आयतन ml में लिख दिया, तो वो आप पहले समझ चुके हो कि ml लिख दिया तो 1000 से गुणा हो जाएगा, तो हमने 1000 से गुणा कर दिया। इस प्रकार ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम फॉर्मलता को देखें तो फॉर्मलता में भी यही होता है कि विलेय का ग्राम में भार विलेय का ग्राम में भार, विलेय का सूत्र भार विलेय का सूत्र भार इंटू विलेय का आयतन ml में, ml में लिखा इसलिए हमने इसमें 1000 का गुणा कर दिया। तो ये सभी इनके हो जाते हैं फॉर्मूले और इनकी कुछ परिभाषाएं जो आपको याद रखनी है। अब हम जो शब्द हमें जो देखना था वो था तुल्यांक की भार। तो आइए देखते हैं तुल्यांक की भार को। चलो इसको कैंसिल कर देते हैं। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था तुल्यांक की भार। तुल्यांक की भार क्या होता है ये सीखना था। क्या निकाल सीखना था? तुल्यांक की भार। तो जो तुल्यांक की भार होता है वो होता है अणु भार बटे n। क्या है? अणु भार अपॉन n। तुल्यांक की भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अणु भार अपॉन n कर देंगे। और यहां पर जो n है ये n एसिड के लिए क्या होगी? एसिडिटी यानी कि अम्लता। एसिड के लिए अम्लता और बेस के लिए क्षारकता की संख्या। उसी प्रकार से आयनिक के लिए धनायन, कुल धनायन या कुल ऋणायन। समझते हैं इसको एक बार। जैसे हमें तुल्यांक की भार निकालना है NaCl का, तो हम कैसे निकालेंगे NaCl के तुल्यांक की भार के लिए? हम NaCl का लिखेंगे सबसे पहले अणु भार और लिखेंगे n की वैल्यू। अब NaCl के लिए n की वैल्यू क्या आएगी वो हमें देखना है। हमने क्या लिखा कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसके लिए कुल धनायन या फिर कुल ऋणायन। यदि हम इसको आयनों में तोड़ें तो Na प्लस Cl माइनस टूटेगा, तो इसका कुल धनायन कितना है? कुल धनायन एक है। कुल ऋणायन कितना है? एक है। तो हम लिख देंगे अणु भार अपॉन एक। अब यदि इसी प्रकार से हम निकालें MgCl2 के लिए, तो MgCl2 का तुल्यांक की भार क्या होगा? इसका तुल्यांक की भार होगा अणु भार अपॉन n। अब यहाँ पर n क्या आएगा? यदि इसे हम तोड़ेंगे, इसे आयनित कराएं, तो कैसे होगा? Mg+2 और 2Cl-। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कुल ऋणावेश कितना है? कुल ऋणावेश है 2- और कुल धनावेश है 2+। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू क्या लिखेंगे? कुल धनायन या कुल ऋणायन। कुल धनायन कितना है?
टू तो अणुभार अपॉन टू लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। बाकी जब हम अगले लेक्चर में कुछ एग्जाम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमारे और ज़्यादा समझ में आएगा कि किस प्रकार से इनको सॉल्व करते हैं। जिस प्रकार से हमने तुल्यांकी भार निकाला है उसी प्रकार से हम विलेय के सूत्रभार भी निकाल सकते हैं, क्योंकि तुल्यांकी भार है उसी प्रकार से इनके जो सूत्र होते हैं उनका सूत्रभार होता है। वो सभी हम अब देखेंगे जब पढ़ेंगे हम इनके न्यूमेरिकल्स, तो उनके न्यूमेरिकल्स में इस चीज़ को हम देखेंगे। अब इसके बाद में एक और सांद्रता आती है या फिर एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स और है जो है मोलन्स। तो अब हम एक बार मोलन्स के बारे में देखेंगे। मोलन्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं मोलन्स या मोलभिन्न के बारे में। तो जो मोल अंश या मोल भिन्न है उसका यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला क्या है? अवयव का मोल अंश, यानी कि विलयन में काफ़ी सारे अवयव होते हैं, तो विलयन के किसी अवयव जिसका हम मोल अंश निकाल रहे हैं, किसी एक अवयव का हमें मोल अंश निकालना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो किसी एक अवयव का मोल अंश, पर्टिकुलर अवयव का मोल अंश बराबर क्या होगा? उस अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की संख्या अपॉन विलयन के सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या, यानी कि विलयन में जितने भी अवयव मौजूद हैं उन सभी के कुल मोलों की संख्या हमें यहाँ पर लिखनी है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि अवयव का मोल अंश क्या होगा? अवयव का मोल अंश होगा अवयव के मोलों की संख्या अपॉन विलयन के सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या। अब सबसे पहले हम देखते हैं द्विअंगी विलयन के लिए, इसलिए देखेंगे एक द्विअंगी विलयन। मान लीजिए कोई एक द्विअंगी विलयन है। विलयन द्विअंगी है, इसका मतलब हम जानते हैं कि विलयन में एक विलेय है और एक विलायक है। तो माना कि विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या कितनी है? एन ए है। क्या है? एन ए है। जबकि विलायक के मोलों की संख्या एन बी है। क्या है? द्विअंगी विलयन है। विलयन में क्या है? एक विलेय है। मान लीजिए एक कोई विलेय है, उस विलेय के मोलों की संख्या एन ए है और विलायक के मोलों की संख्या एन बी है। अब हमें इसके लिए लिखना है मोल भिन्न। विलेय क्या है हमारा? ए विलेय है और कोई विलायक है वो है बी। अब क्या देखते हैं हम? अब इसके लिए निकालेंगे हम मोल अंश या मोल भिन्न। तो जो मोल अंश या मोल भिन्न होती है उसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एक्स से। एक्स लिख करके उसके नीचे उस अवयव को लिख दिया जाता है। जैसे कि एक्स विलेय, यदि हम विलेय के लिए निकाल रहे हैं तो क्या लिख देंगे? एक्स विलेय। या हमें विलेय दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं एक्स ए के लिए एक्स विलेय या एक्स ए, कुछ भी लिख सकते हो आप, इनमें से एक लिखना है हमें। हम एक्स ए लिख लेते हैं, एक्स ए किसके लिए हो गई? ये हो गई विलेय के लिए, क्योंकि विलेय क्या है यहाँ पर? ए है। इसी प्रकार हम यदि विलयन विलायक के लिए लिखना चाहें तो क्या होगी? एक्स विलायक या एक्स बी, क्योंकि विलायक हमें क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एक्स से। और एक्स के नीचे लिख दिया जाता है उस अवयव को जिस अवयव की हम मोल भिन्न निकाल रहे हैं उस अवयव को। तो इसमें देखते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या कितनी है। विलेय के मोल
एन ए है और विलायक के एन बी है। अब हम कहें कि विलयन में सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या क्या है, सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या क्या होगी, तो वो होगी विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा विलयन के सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या के बराबर आ जाएगा, और इसे हम एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो विलयन है, अब लिखते हैं हम मोल अंश। मोल अंश कैसे लिखेंगे, ऊपर क्या लिखना है, अवयव के मोलों की संख्या किसके लिए लिख रहे हैं, ए के लिए लिख रहे हैं यानी विलय के लिए लिख रहे हैं। तो विलय के मोलों की संख्या क्या है, एन ए है, एन ए अपॉन विलय अपॉन क्या लिखना है हमें, विलयन के सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या जो कि क्या है, एन ए प्लस एन बी है। एन ए प्लस एन बी है। अब यदि इसी प्रकार हम एक्स बी लिखना चाहें यानी कि विलायक के लिए लिखना चाहें तो क्या होगा, अवयव के मोलों की संख्या, अवयव का क्या हुआ, अवयव हुआ विलायक, और विलायक के मोल क्या है, एन बी है। तो क्या लिखेंगे हम, एन बी अपॉन कुल मोलों की संख्या एन ए प्लस एन बी। तो ये मोल अंश हो गए विलय और विलायक के लिए, किसके लिए हो गए, विलय और विलायक के लिए मोल अंश हो गए। यदि हमें विलयन का कुल मोल अंश निकालना है यानी कि विलयन का कुल मोल अंश निकालना है तो क्या आएगा, यदि हम एक्स ए प्लस एक्स बी कर दें तो ये एक के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, ये एक के बराबर आएगा। ये एक इम्पोर्टेंट है कि विलय के मोल अंश प्लस विलायक विलय के सॉरी विलयन में जो जितने भी विलय हैं उन सभी विलय के मोलों की संख्या और विलय सॉरी यहाँ पे जो ये दिया हुआ है क्या है, विलय के मोल अंश हैं, विलय के मोल अंश प्लस में विलायक के मोल अंश बराबर कितना आएगा, एक आएगा। यानी कि विलयन के लिए जो मोल अंश होगा वो हमेशा एक ही आएगा, कितना आएगा, विलयन के लिए मोल अंश हमेशा एक ही आएगा। तो इस प्रकार से हमें ये मोल अंश निकालने आने चाहिए कि विलय के लिए मोल अंश क्या होगा, विलयन के लिए क्या होगा। यदि ये कोई त्रिअंगी विलयन होता, मान लीजिए ये कोई त्रिअंगी विलयन होता, तो विलयन में कोई अवयव ए होता, ए के मूलों की संख्या एन ए होती, कोई अवयव बी होता, बी के मूलों की संख्या एन बी होती, और कोई तीसरा अवयव सी होता तो उसके मोलों की संख्या एन सी होती। अब हमें मोल अंश निकालना है, एन के लिए यदि मोल, ए के लिए यदि मोल अंश निकालते क्या लिखते हैं, एक्स ए, क्या लिखते हैं, एक्स ए अवयव के मोलों की संख्या, एक्स ए बराबर क्या होगा, अवयव के मोलों की संख्या, अवयव क्या है, ए है, ए के मोलों की संख्या क्या है, एन ए है, अपॉन क्या करना है हमें, विलयन के सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या। विलयन के अवयव कौन कौन से हो गए, ए बी सी, तो ए बी सी के कुल मोलों की संख्या क्या हो गई, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो ये हो गई, ये हो गई एक्स ए। इसी प्रकार से हम निकाल सकते थे एक्स बी एन ए एन बी और एन सी। इसी प्रकार यदि हम निकालना चाहें इसके लिए एक्स सी के लिए तो क्या आएगी, एक्स सी एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब यदि हम विलयन, इस विलयन की मोल अंश लिखना चाहें तो विलयन के कुल मोल अंश कितने होंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी बराबर एक होगा। हमने यहाँ पर क्या कहा था,
कि विलयन के लिए हमेशा मोल अंश एक ही आएगा। विलयन द्विअंगी है तो दोनों के मोल अंश जोड़ देंगे एक आएगा। त्रिअंगी है तो तीनों अवयवों के मोल अंश जोड़ देंगे तो एक आएगा। चतुरंगी हो चतुसंगी होगा तो चारों के मूल अंश जोड़ देंगे तो भी एक ही आएगा। आने वाला क्या है, आने वाला एक ही है। अब आगे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो अब उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस न्यूमेरिकल को कि किस प्रकार से सॉल्व होता है। यहाँ पर आपको जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसमें क्या पूछा गया है, उसमें पूछा गया है मोल भिन्न यानी कि मोल अंश के बारे में। एक बार देखते हैं न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है। एक विलियन 54 ग्राम जल, जल कितना है इसमें 54 ग्राम है, 54 ग्राम जल व 64 ग्राम मैथेनोल, किसको मैथेनोल को मिलाकर बनाया गया है, तो विलियन में प्रत्येक अवयव की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। अवयव कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया जल यानी कि H2O और दूसरा हो गया मैथेनॉल CH3OH। सबसे पहले हमें जो डाटा दिए गए हैं उन डाटाज को हम यहाँ पर लिखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है H2O का भार कितना है, H2O का भार 54 ग्राम। दूसरा क्या दिया हुआ है हमें, मैथेनॉल यानी कि CH3OH का भार दिया हुआ है जो कि कितना है, जो कि 64 ग्राम है। अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है इनके मोल अंश। अब मोल अंश निकालने के लिए हमें इनके मोलों की आवश्यकता होगी, क्या चाहिए होंगे हमें, इनके मोल चाहिए होंगे और इनके मोल हमें दिए हुए नहीं है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें सिर्फ इनके भार दिया हुआ है, इनका वेट दिया हुआ है। तो हम मोल कैसे निकालते हैं भार से, तो मोल होता है भार बटे अणुभार। तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, हमें यहाँ पर मोल निकालने के लिए आवश्यकता होगी अणुभार की। तो हम देखते हैं कि H2O का अणुभार क्या होता है, कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। इसी प्रकार से हम यदि CH3OH का अणुभार निकालना चाहें तो वो कितना आता है, तो वो आता है CH3OH का अणुभार जो कि आता है 32, कितना आता है 32। अब हमें निकालने हैं इनके मोल, मोल कैसे निकालेंगे, भार बटे अणुभार। सबसे पहले मान लीजिए हम H2O के मोल निकालना चाहें, H2O के मोल, तो H2O के मोल क्या होंगे, H2O का भार लिखना होगा कितना है 54 ग्राम है, अपॉन क्या लिखना है, इसका अणुभार लिखना है, अणुभार कितना है 18 है और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, 18 3 54। तो इस प्रकार H2O के जो मोल हैं वो कितने आएंगे, 3 आएंगे। इसको हम यहीं पर लिख देते हैं, तीन मोल। इसी प्रकार से हम निकालते हैं, हम CH3OH के मोल कितने दिया हुआ है, इसका अणुभार, अणुभार दी, इसका भार कितना दिया हुआ है, भार दिया हुआ है 64 ग्राम और अणुभार दिया हुआ है 32 ग्राम पर मोल। तो अब इसका मान निकालना चाहें तो कितना आएगा, 32 2 64, तो 2 मोल आ गए यहाँ पर। इस प्रकार से H2O के मोल कितने हैं,
तीन मोल हैं इस विलयन में, और मैथेनॉल के मोल कितने हैं, दो मोल हैं। अब हमें प्रत्येक के क्या निकालनी है, मोल भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम विलयन के कुल मोल निकाल लेते हैं। विलयन के कुल मोल कितने हो गए, कुल मोल हो गए 3 + 2 = 5 मोल। क्यों, क्योंकि 3 मोल H2O के और 2 मोल CH3OH के, तो कुल मोल कितने हो गए, 5 हो गए। अब निकालते हैं हम इनके लिए मोल भिन्न। तो सबसे पहले निकालते हैं हम H2O के लिए, तो कैसे लिखेंगे, XH2O बराबर, अब लिखेंगे हम सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, H2O के मोल्स। तो H2O के मोल कितने हैं, H2O के मोल हैं 3 अपॉन क्या लिखना है, विलयन के कुल मोल कितने हैं 5, कितना आ जाएगा 0.6। अब यदि हम निकालना चाहें मोल अंश किसके लिए, CH3OH के लिए, तो क्या आएंगे, कितने मोल हैं इसके 2 / 5, कितना आ जाएगा 0.4। यदि हम इनको जोड़ना चाहें, विलयन के लिए कुल वैल्यू निकालना चाहें, तो 1 आ जाएगी। यदि हम विलयन की कुल मोल भी निकालना चाहें तो कितने आएगी, 1। कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल सॉल्व होता है कि इसमें हमें प्रत्येक अवयव की मोल भिन्न निकालनी थी, जिसमें से इसके दो अवयव थे, एक तो था H2O और दूसरा था CH3OH। इनमें से H2O के लिए जो मोल भिन्न आई वो कितनी आई, 0.6, कितनी आई 0.6, और CH3OH के लिए कितनी आई 0.4। अब जो मोल भिन्न होती है, मोल भिन्न एक यूनिट लेस इकाई होती, यूनिट लेस राशि होती है। कैसी होती है, इकाई रहित या यूनिट लेस, क्योंकि ये एक अनुपात होता है और अनुपात का कोई भी यूनिट नहीं होती, कोई भी इकाई नहीं होती। तो इस प्रकार हमने जितनी भी सांद्रता पद थे उन सभी सांद्रता पदों का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद में इनके बेस पर हम कुछ मिक्स न्यूमेरिकल और करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ मिक्स न्यूमेरिकल करेंगे, जो सभी सांद्रताओं पर आधारित होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो एक बार आप इनको अच्छे से पढ़ना, उसके बाद अगली वीडियो देखना, उसमें आपके लिए सारे न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे जितने भी प्रकार के संभव हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।